हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। डाटा एंट्री ट्रेनिंग में आपका स्वागत है और ये है एक्सरसाइज नंबर 8। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 7 जो लेसन है या एक्सरसाइज कह लीजिए, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और यदि आपने देखे हैं तो अच्छी बात है। यदि आप देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जो आप पहले मैंने अपलोड कर दिया है, उन सभी वीडियो के जो ये प्रैक्टिकल फाइल है, जो प्रैक्टिस फाइल है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके जितनी भी प्रैक्टिस जो फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एक्सेल पर। अच्छा जी, अब आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें आप देख रहे हैं कि एक टेबल पहले से ही बनी हुई है और साथ ही साथ दूसरी जो टेबल बनी हुई है वो ब्लैंक है। एक टेबल पूरा फिल है और दूसरा टेबल ब्लैंक है। फिल के आधार पे हमें ब्लैंक वाला जो टेबल है वो फिल करना है। तो आपको यहाँ पे एक एक तरह से रेफरेंस के तौर पर, रेफर के तौर पर एम्प्लॉई आईडी दी गई है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी दी गई है और मुझे एम्प्लॉई आईडी के आधार पे मुझे नेम और सैलरी और बर्थ डेट और फोन नंबर फिलअप करना है। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि एम्प्लॉई आईडी एकदम मिडल में है, दो खाने इधर खाली हैं, दो खाने इधर खाली हैं। अगर मुझे लेफ्ट साइड के एरिए का जो वैल्यू है वो मुझे फाइंड आउट करके फिल करना है तो मुझे इंडेक्स मैच फॉर्मूले का यूज करना होगा। साथ ही साथ अगर मुझे राइट साइड के जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना है तो मुझे वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो हम एम्प्लॉई आईडी के आधार पर हम इन वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें और कैसे फिल करें, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नेम पे क्लिक करेंगे, नेम वाले सेल पे, और मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला चलाऊंगा इक्वल इंडेक्स। उसके बाद इंडेक्स लिखने के बाद अब मुझे अरे में वो वाला एरिया सेलेक्ट करना है जो मुझे यहाँ फिल करना है। तो मुझे नेम फिल करना है तो मुझे नेम वाला एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने कॉमा लगाया। अब लेकिन नेम किससे अटैच हो जाए, एम्प्लॉई आईडी से। तो अटैच करने के लिए, लिंक करने के लिए मैं यहाँ पे एक मैच फॉर्मूला भी लगाऊंगा और मैच फॉर्मूले में कहेगा लुकअप वैल्यू, क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो मैंने यहाँ पे जो सेल नंबर है एम्प्लॉई आईडी का, ये देखते हैं डी कॉलम और 14 रो, यानी कि ये जो एम्प्लॉई आईडी है ये है डी 14, मैंने इस पे लुकअप वैल्यू के क्लिक कर दिया। अब मैंने कॉमा लगाया। अब कह रहा है लुकअप अरे, मतलब जो ये एम्प्लॉई आईडी किस जगह है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने एम्प्लॉई आईडी का पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब जब आप कॉमा लगाएंगे तो मैच टाइप पूछेगा आपसे। अब जब मैंने कॉमा लगाया तो मैच टाइप में पूछ रहा है हमसे कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या कम ज़्यादा चाहिए। तो मुझे तो भाई एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो अगर आपको सेम टू सेम जो एम्प्लॉई आईडी के सामने नेम है वही चाहिए तो आप 0 लगा दीजिए। उसके बाद अब आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आपने ब्रैकेट कितनी बार ओपन किया है, यानी कि आपने कितनी बार इंडेक्स जैसे फॉर्मूले के बाद आपने एक ये देखिए ब्रैकेट ओपन किया, एक मैच फॉर्मूले के बाद ब्रैकेट ओपन किया, यानी कि आपको जितनी बार आपने ओपन किया उतनी बार क्लोज करना होगा। तो यानी कि मुझे 2 बार क्लोज करना है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पे आपका जो आंसर है नेम वाला वो रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देखेंगे 245 88, यानी कि 245 88 के सामने है मोहन, यानी कि आंसर हमारा सही निकल गया। अब मैं इसे माउस को दबा करके ड्रैग करता हूं। अब आप देखेंगे कि कुछ के आंसर तो ठीक आएंगे, कुछ के आंसर एरर में आएंगे। ये देखिए एरर में इसलिए आ रहे हैं, अगर मैं मोहन पे डबल क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे नेम का पूरा एरिया सेलेक्ट है और एम्प्लॉई आईडी वाला भी पूरा एरिया सेलेक्ट है। लेकिन जब मैं एरर वाले पे डबल क्लिक करता हूं तो यहां पे आप देखेंगे कि मोहन यहां से सिलेक्ट है यहां तक, नेम से ऊपर से उठ करके नीचे आ गया है और ऐसी ये भी। तो इसका मतलब जो कॉलम का जो सिलेक्शन था वो खिसक रहा है, या सेल का सिलेक्शन जो कह लिया जाए वो खिसक रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये चीजें ब्लॉक हो जाए ये एरिया। तो हम ब्लॉक करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम दोबारा चला के देखते हैं इक्वल इंडेक्स, उसके बाद अरे में ये नेम का एरिया सिलेक्शन कॉमा, उसके बाद यहाँ पे आपको चलाना है मैच। मैच लिखने के बाद आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस पर क्लिक कॉमा, और एम्प्लॉई आईडी पूरा सिलेक्शन कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0
ब्रैकेट बंद बंद, ये हमने पहली बार लगाया था। लेकिन अब आप देख रहे होंगे जब आप इंडेक्स के यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है अरे, तो ये जो अरे वाला एरिया है ये आप सिलेक्ट करके इसे ब्लॉक करना है आपको एरिया, तो आप इसे F4 दबा के इस एरिया को ब्लॉक कर सकते हैं, अब ये नहीं खिसकेगा। और ऐसे ही आप जब यहाँ आएंगे तो मैच वाला जो लुकअप अरे है इसे भी आपको ब्लॉक करना है, तो इस एरिया को भी आप F4 दबा के इसे डॉलर का सिंबल लग जाएगा हर के आगे और ये ब्लॉक हो जाएगा। अब आप इसे एंटर प्रेस कर लीजिए और अब आप ड्रैग करते हैं तो आंसर आपको एग्जैक्ट सभी के मिल जाएंगे। इसी तरीके से अब आपको सैलरी निकालनी है, तो इक्वल इंडेक्स, उसके बाद यहां पे अरे वाले में आप सैलरी वाला एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगाइए, उसके बाद यहां पे आपको मैच लिखना है। मैच लिखने के बाद लुकअप वैल्यू में आपको यहां पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब क्लिक नहीं हो पा रहा क्योंकि इसके ऊपर सेल आ गया है, तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, इसका है D14, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया D14 और उसके बाद कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे कह रहा है लुकअप अरे, तो लुकअप अरे में मैंने एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच, दो बार ब्रैकेट बंद, और सेम थिंग इसका अरे जो एरिया अरे वाला एरिया उसे हम सेलेक्ट करके F4 दबा देते हैं ताकि हमें बार बार इसका सामना ना करना पड़े, और एंटर करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा और सभी के एग्जैक्ट मैच मिल जाएंगे। अब सेम थिंग यहाँ पे बर्थ डेट आपको फाइंड आउट करनी है, तो हमने कहा था कि लेफ्ट साइड में इंडेक्स मैच और राइट साइड में आपका व्यू लुकअप, तो मैंने यहाँ पे व्यू लुकअप लगा के दिखाता हूँ, इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है, मुझे एम्प्लॉई आईडी के अकॉर्डिंग, उसके बाद कॉमा, अब यहाँ कह रहा है टेबल अरे, तो टेबल अरे में मैं पूरा एम्प्लॉई आईडी से लेकर फोन नंबर तक का एरिया सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स कौन सा है, कॉलम इंडेक्स है हमारा 1 2, ये कॉलम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करता है, तो 1 2 दूसरा कॉलम है तो 2 लिखा, कॉमा लगाया 0 एग्जैक्ट के लिए और उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 245.88 के आगे यहाँ पे आ गया है 10.85, और यहाँ पे देखिए 10.85 आ गया है 85 वाला, और यहाँ पे आप इसे भी टेबल अरे को आप सेलेक्ट करके F4 दबा दीजिए साथ ही साथ, ताकि आपका जो आंसर है वो हर जगह एग्जैक्ट ही आए। ये देखिए इसी तरीके से फ़ोन नंबर फाइंड आउट करते हैं, इक्वल वी लुकअप, उसके बाद लुकअप वैल्यू में आप एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक कर लीजिए, कॉमा लगाइए, उसके बाद टेबल अरे में आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे ये कॉलम वाइज को जो कॉलम वाइज आपको मतलब काउंट करता है वैल्यू को निकालने के लिए, तो 1 2 तीसरा कॉलम है तो कॉमा लगा के हमने तीसरा डाल दिया, फोन नंबर तीसरे कॉलम पे है, उसके बाद एग्जैक्ट आंसर के लिए 0 सॉरी कॉमा लगा के 0, और यहाँ पे जो टेबल अरे है इसे आप सेलेक्ट करके F4 दबा दीजिए साथ ही साथ, और यहाँ पे ब्रैकेट को कर दीजिए बंद और आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंडेक्स मैच और वी लुकअप फॉर्मूला कैसे यूज करें वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और पेज को साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।